हाय गाइस, मैं शांत हूँ। आप देख रहे हैं इंग्लिश शांत और स्टूडियो में आपको तो एमआईवे 11 थीम नंबर 1 एमआईवे थीम फॉर जुलाई 2020। देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स शेयर द वीडियो। तो अगर आपको एक इंटरेस्टिंग होम स्क्रीन चाहिए कोई भी शॉमी या कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस के लिए, तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी मिनिमल आपका फ़ोन को लुक मिलने वाला है इस होम स्क्रीन के थ्रू, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसका जितना भी कुछ मैं यूज़ किया उस होम स्क्रीन को बनाने के लिए, सभी कुछ का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि इसका विजिट हुआ या आइकन पैक हुआ या इसका वॉलपेपर हुआ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, अगर आपको ऐसा लुक कुछ चाहिए या और भी ऐसा लुक चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके और भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, या मैं भी ला दूंगा वीडियो। बट अगर आपको सजेशन भी है तो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ क्लीन या मिनिमल सेटअप बनाना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट जो चाहिए, या कोई भी लॉन्चर से चल जाएगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा नोवा लॉन्चर प्रो या नोवा लॉन्चर, जो कि आपको नोवा लॉन्चर का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर में सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड आपका है KWGT, जो कि ये इसके बिना कुछ काम नहीं होगा विजिट का, तो ऑब्वियसली इसको भी आपको चाहिए, इसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पेड वर्जन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और सेकेंड आपका ये आपका एक पेड आइकन पैक है, जो कि आपका ब्लैक आइकन पैक है, जो कि ऑब्वियसली इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और ब्लैक एंड वाइट आइकन पैक है। तो इसके लिए आपको बस आपका फ़ोन का होम स्क्रीन को ब्लैंक बना देना है, और ब्लैंक बनाने के बाद आपको विजिट में जाना है होल्ड करके, और विजिट के बाद आपको मतलब होल्ड करके जाने के बाद आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है विजिट्स को, दो विजिट को, बस ऐसे ही आपका क्रिएट हो जाएगा। और नहीं तो फिर आपको अगर मेहनत करना ही नहीं है तो आपको नोवा लॉन्चर का बैकअप भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली बैकअप को मतलब इम्पोर्ट कर लीजिएगा, तो आपका डायरेक्टली जो सेटअप है वो आपका ऐसे ही बनने वाला है। तो सिंपली देखिए, जैसे कि विजिट को बस आपको होल्ड करके बस रखना है, और फिर आपको मतलब अगर आपको शॉर्टकट मारना है तो आप सिंपली बैकअप में जाइए, मतलब सेटिंग में जाइए, और आप बैकअप सर्च कीजिए बैकअप एंड इंपोर्ट सेटिंग्स। तो जैसे आप बैकअप एंड इंपोर्ट सेटिंग्स में जाइएगा तो आपको रिस्टोर एंड मैनेज बैकअप देखने को मिल जाएगा, बस उसमें जाना है, और उसके बाद आपको ब्राउज करना है, और आपको देखने को मिल जाएगा ocean.nova backup। तो जैसे आप ocean.nova backup देखने को मिलेगा, सिंपली आपको ओके कर देना है, बस आपका पूरा जो है सेटअप सेम टू सेम बन जाएगा। पहले आप बट इंस्टॉल करना होगा, जितना भी आपको KWGT या आइकन पैक सभी को इंस्टॉल करने के बाद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले देखिए KWGT का जो ये विजिट था उसको आप रिसाइज कर लिए। रिसाइज करने के बाद आपको सिंपली ब्राउज करना है कि कहाँ आप KWGT का जो ocean.date होगा, ocean.clock होगा, ये सब आपको पहले एक्सपोर्ट मतलब भी रहता है, तो उसको आपको पहले इंपोर्ट करना होगा आपका KWGT का इसमें मतलब कि फोल्डर में। तो जैसे आप KWGT में उसमें ब्राउज करना होगा फोल्डर फाइल मैनेजर का आइकन में टैप करने के बाद, उसके बाद आपको सर्च करना होगा ocean clock ocean date। जैसे आप सर्च कीजिएगा तो ये आपको दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब इंपोर्ट हो जाएगा, और आपको एक्सपोर्टेड में देखने को मिलने वाला है। फिर आपको उसमें टैप करना है और आपको सेव कर देना है, बस ऐसे ही आपका क्रिएट हो जाएगा। और फिर आप बैकअप फाइल में जैसे मतलब कि इंपोर्ट एंड मतलब मैनेज बैकअप में चल जाइएगा, और जैसे ही आप सेट कर दीजिएगा ओके, तो आपका सेटअप ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यही था एक इंटरेस्टिंग मिनिमल क्लीन सेटअप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग और इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और अगर आपको कोई भी कमेंट या सुझाव तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक मतलब आप तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को कुछ भी कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन टैप कर सकते हैं, मतलब हमेशा आप नोटिफाइड रहेंगे मेरे साथ ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग नए टाइप वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं बोलता हूँ कल कुछ ऐसे नए टाइप वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।